टू मार्शल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिर्जा उबैर। सो आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, टेंस। ओके गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। आप लोगों को इतना पता चल ही गया होगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज टेंस। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। मतलब टाइम और टेंस दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट थिंग, ठीक है। टाइम जो होता है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, और जो टेंस होता है हमारा वो कैसा है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जो टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी वर्ब के एक्शंस के बारे में, सिर्फ उसके टाइम के बारे में नहीं बात करता है। वो सिर्फ टाइम नहीं शो करता है, वो क्या शो करता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन। मतलब कि कभी भी कोई इंसिडेंट हुआ तो वो कब हुआ, वो भी क्या करता है, हमें टेंस बताता है। ओके ठीक है। सो हमें तीन टाइप के टेंस को डिस्कस करना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके हर एक के चार चार पार्ट होते हैं, उनको हम क्या करने वाले हैं, डिटेल्स में उनके रूल्स की स्टडी करने वाली है। ओके गाइस, सो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टेंस की, प्रेजेंट टेंस की। ओके, प्रेजेंट टेंस के चार टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके गाइस, सो हर टेंस का मैंने रूल भी लिख दिया है यहाँ पे, आपको क्या करना है, सिंपली फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। ओके ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल है, सिंपल प्रेजेंट का सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ब्रैकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट का, कि अगर आपको यहाँ पे यस और यस समथिंग दिया हुआ है, अगर आपका जो सब्जेक्ट होगा आई हो या फिर कोई प्लूरल नंबर हो, क्या आपका सब्जेक्ट अगर आई हो या फिर कोई भी प्लूरल नंबर हो, तो उसके साथ आप मेन वर्ब कैसे रखोगे, फर्स्ट फॉर्म में रखोगे। अदरवाइज बाकी सब के साथ आप क्या करोगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ यस और ईएस। ओके, आई और प्लूरल नंबर के साथ आप मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रखोगे, बाकी सबके साथ में क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म विथ यस और ईएस। तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है एंड अदर ऑब्जेक्ट फॉलोड बाई अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस का सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब कभी भी बात हो माय डियर कॉन्टिन्यूअस की, किसकी बात हो, कॉन्टिन्यूअस की बात हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस टेंस में जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा कैसा होता है, मेरा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। मे भी ये ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ओके, इस टेंस में भी अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसकी बात कर ले, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहां पे आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता है तो इज एम आर सॉरी आई वी दे यू ही सी इट या फिर कोई भी नाम या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो सकता है। ओके ठीक है, सो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट। और एक चीज हमेशा फिर से याद रखो कि जब कभी भी आपको परफेक्ट मिल जाए तो परफेक्ट में याद रखना कि मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। ओके, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। ओके, सो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से आपने क्या कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर लिया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे सिंस और फॉर भी बहुत सिंस और फॉर यूज करते हैं हम लोग। जब टेंस कॉन्टिन्यूअस रहता है और उसमें टाइम भी हमको डिनोट करना रहता है तो हम यूज करते हैं कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसमें अगेन क्या होगा, सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब यही वाला है आपको, हैज और हैव, बस एक नया कीवर्ड यूज किया आपने बीन। ओके, एक नया कीवर्ड यूज किया आपने बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। यहां पे अगर आप फोकस करोगे तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस है, बट हमेशा आप किसको प्रायोरिटी दोगे, आप दोगे कॉन्टिन्यूअस को प्रायोरिटी, और उस बेसिस पे आप क्या करोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टिन्यूअस कहीं भी दिख गया आपको, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सिंपल में प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर वो ऐसे रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमेशा आपको प्रायोरिटी किसको देना है, कॉन्टिन्यूअस को देना है। और अगर आपको कहीं सिर्फ और सिर्फ क्या मिल गया, परफेक्ट मिल गया, तो मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म। ओके ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा पास्ट टेंस। ओके ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की। ओके अगेन, पास्ट टेंस को चार टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि आप देखते हैं बोर्ड पे, ओके सबसे पहले सिंपल पास्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है क्या, सब्जेक्ट एंड फॉलोड बाय नेम ऑफ का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। अगर आपने ध्यान दिया हो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता था, नेम ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में यस और ईएस दिया हुआ था। बट यहाँ पे सिंपल पास्ट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है और उसके बाद नेम ऑफ का सेकंड फॉर्म, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट, और इस तरह से आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल पास्ट का रूल। ओके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाकी सब कुछ एज इट इज है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट वैसा ही है, मेन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहां पे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आपके हेल्पिंग मोड में हुआ है। कहां पे हुआ है, हेल्पिंग मोड में, वहां पे आपको दिया हुआ था इज एम आर और यहां पे मैंने लिखा है वाज और वर। ओके ठीक है, और सिमिलरली पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब में आपके पास यहाँ पे हैड है। बट अगर आप बात करेंगे प्रेजेंट टेंस से कंपेयर करेंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव, मेन वर्ब एज इट इज जैसा कि प्रेजेंट में था वही सेम मेन वर्ब यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ओके और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जैसा कि आपको बताया कि जब कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप जाते हैं, ओके, तो आप जो परफेक्ट वाला होता है उसी के हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, मतलब उठा लेते हैं वहां से हैड, और एक नया कीवर्ड यूज कर लेते हैं क्या, बीन। आपने लास्ट टाइम यहाँ पे हैज हैव था तो आपने हैज हैव बीन लिखा था, राइट नाउ यहाँ पे हैड दिया हुआ है तो आप क्या यूज कर रहे हैं, हैड बीन, मेन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ क्या है, एज इट इज है। ओके सो फटाफट आप लोग क्या करना, रूल्स को लिख लेना और उसके बाद ट्राई टू फ्रेम सम सेंटेंसेस। ओके कुछ सेंटेंस बना के क्या करो, आप कोशिश करो। ओके अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट और फाइनल फ्यूचर टेंस के बारे में। ओके सो फाइनली हम आ गए हैं फ्यूचर टेंस पे। ओके ठीक है, अब सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर बहुत ही सिंपल है, उसमें करना कुछ नहीं रहता है, आपको क्या करना है, आपको जस्ट लिखना है आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल। अभी तक आपने जितने भी सिंपल पढ़े हैं, सिंपल पास्ट पढ़ा है, आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा है, उन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। ओके ये सिर्फ एक लौता ऐसा है सिंपल फ्यूचर जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, शैल और विल, ठीक है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ओके सो बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ पे शैल यूज कर रहे हैं, कहाँ पे विल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई और वी के साथ में आपको क्या करना है, शैल यूज करना है जो भी फर्स्ट पर्सन है, और बाकी सबके साथ में क्या यूज करना है, आपको विल यूज करना है। ओके आप अकॉर्डिंग टू टेंस या फिर अकॉर्डिंग टू कभी कभी आपके विलिंग या फिर समथिंग आ जाता है तो आप विस आ जाती है तो वहां पे भी आई और वी के साथ आप विल यूज कर लेते हो, बट नॉर्मली आपको ये रूल फॉलो करना है, आई और वी के साथ शैल, अदरवाइज विल। ओके सो ये था आपका सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ शैल विल तो लिखना ही रहता है। ओके एक नया कीवर्ड आ जाता है आपके पास बी। ओके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ शैल विल प्लस बी मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। ओके ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट है आपका हेल्पिंग ऑफ शैल और विल है प्लस हैव है, यहाँ पे एक नया कीवर्ड अगेन आ गया हैव, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली हम हमारे एकदम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बीन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको जस्ट करना क्या है, ये जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है शैल विल हैव, पूरा का पूरा वहां से आप उठा लो, शैल और विल में से कोई एक पार्ट प्लस हैव प्लस बीन। ओके
और फिर इसके बाद मेरा आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, और इस तरह से आपके तीनों टेंस के मैंने रूल्स बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ कि कब कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे उनको वॉज यूज करना है, कहाँ वर यूज करना है, कहाँ हैज और हैव यूज करना है। ओके ठीक है, तो इसके बाद का जो पार्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज डोंट स्किप। ओके ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कैसे किसी भी टेंस को यूज करना है, मतलब उसके हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना है। ओके ठीक है, तो मैंने हर एक को डिफाइन कर दिया कि प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, उसके अफर्मेटिव में ठीक है, और पास्ट सिंपल के भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अगर आप नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव यूज करने जाओगे, सेंटेंस फ्रेम करने जाओगे प्रेजेंट सिंपल का या फिर पास्ट सिंपल का, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होता है। बट अभी सिर्फ अभी फिलहाल के लिए तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव की। ओके ठीक है, अगर आप फ्यूचर सिंपल में जाओ, फ्यूचर सिंपल में ठीक है, फ्यूचर सिंपल में आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, शैल और विल। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि शैल के साथ में आई भी यूज करो, बाकी सबके साथ में क्या यूज करोगे आप, विल यूज करोगे। ओके ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको दो तीन टाइप के हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, इज, एम और आर। जितने भी सिंगुलर नंबर है, एस एन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, एस एन का मतलब है सिंगुलर नंबर। और जो आपका पी एन लिखा है मैंने, पी एन का मतलब है प्लूरल नंबर ठीक है। जो एक होते हैं या फिर एक वचन वाले उसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं, और एक से ज्यादा जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर, बहुवचन। ओके ठीक है, सो सिंगुलर नंबर के साथ में इज आएगा, प्लूरल नंबर के साथ में आर आएगा, और आपका आई एम के साथ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आएगा, दैट इज आई। ओके ठीक है, सिंपली पास सिंपल के पास कॉन्टिन्यूअस में अगर आप जाते हो तो आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, वाज और वर ठीक है। वाज आपको सिंगुलर नंबर के लिए यूज करना है और वर यूज करना है आपको प्लूरल नंबर के लिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आपको दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हैव जो होता है मेरा वो आई और प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, आई और प्लूरल नंबर के साथ में क्या यूज होगा, आपका हैव यूज होगा, और बाकी सब के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। ओके ठीक है, यहाँ पे लिखा हैव आई और प्लूरल नंबर के साथ, और हैज आपका बाकी सब के साथ, अदरवाइज आपको क्या यूज करना है, हैज यूज करना है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हैव बीन के साथ में, आई और प्लूरल नंबर के साथ में हैव बीन, और अदरवाइज हैड ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, दैट इज हैड। सो यहां पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती नहीं है, आप चाहे सिंगुलर नंबर हो या आपका सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर हो, आप एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। सेम केस सेम सिनेरियो आएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी, हैड बीन के लिए सिंगुलर नंबर हो प्लूरल नंबर हो आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग यूज करना है, had been। ओके और फ्यूचर के मैंने बाकी से तीन टाइप्स नहीं लिखे हुए हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा, फ्यूचर आपको परफेक्ट नहीं लिखा है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वहां पे हर एक केस में आपको शैल विल यूज करना है। तो मैंने सिर्फ एक बार बता दिया कि आई और वी के साथ शैल यूज होगा, विल के साथ क्या यूज होगा, अदरवाइज बाकी सब जगह क्या होगा, यू विल यूज होगा। तो वही सेम सिनेरियो सेम अप्लाई करना है, शैल बी होगा तो भी आई बी, और विल बी होगा तो बाकी सबके लिए क्या यूज करना है, अदरवाइज आपको विल भी यूज करना है। अगर आपका शैल विल हैव होगा परफेक्ट वाला, तो अगेन आपको आई बी यूज करना है, और विल हैव होगा तो क्या यूज करोगे आप, सॉरी अदरवाइज बाकी सबके लिए क्या यूज करोगे आप, विल यूज करोगे। सिमिलरली शैल विल have been होगा तो आप आई बी यूज करोगे, आई बी के साथ shall will have been यूज करोगे, और बाकी सबके साथ क्या यूज करोगे, will have been ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा, आपको कुछ लगता रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप राइजिंग, कीप साइनिंग विद मार्शल ट्यूटोरियल्स, एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो।